Ready? All those in favor, veteran officer, President Michael Chiquet, who died on the front of the line. Mr. Michael, no love, love of any generation. Boy, little friend, no love, hope, of me, so thankful. तो वो
ब्रह्मा के मुख है, नहीं तो आवाज भी उसका क्या बना, उसका बना पेट। लेकिन आप पेट को जो नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, उसने क्या लिखा है उसको क्या पता। वेद है वो लोग वेद को कौन लोग वेद समझ बैठे, वेद वेद समझ बैठता है। अरे विद्वान लोग थे विद्वान तो कोई काम पर कोई जब काम पर बैठ जाता है, वेद भी पा जाता है तो कोई जरूरी है क्योंकि ये विद्वान लोग अगर नहीं खिलाए कहीं और आज तक तो मार काट करके और गद्दी पर लोग बैठे तो वहां पर भी इकट्ठा हुए तो कहे कि वेद बताओ कितने वेद वेद कितने हैं। तो उन्होंने कहा तो जानकार था अपने साथ चार गए तो उन्होंने दूसरा बैठा था बैठा था कहा नहीं 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 चार वेद और चार वैदानी और उनके बच्चे वो जो इलाज करते हैं नर्क पकड़ते और दवा देते हैं है? वो उनको वेद समझ लेगा। ऐसे इन पुस्तकों को लोग पढ़ते तो बड़ा अनुष्ठान होता खूब पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, सुंदर कांड का पाठ बहुत से लोग हानि करके भी उठते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है वो समझ नहीं पाते। पहली बात संतों के पास जाते नहीं तो समझ नहीं पाते। दूसरी बात यह कि जो चीज आदर्श है और जो हानि संतों ने देखा और बताया और वो इन आंखों से देख नहीं पा रहे उन चीजों पर उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो तो कहते हैं कि बस पुरानी ही चीज ठीक है, बस देवता को खुश करने के लिए कोई चढ़ा दो पति चढ़ा दो और घर चढ़ा दो। अरे भाई देवता को हमारे पूर्वज भी हानि पूछते रहे उनकी तो सोच यही है कि बकरा काट करके चढ़ाएंगे तभी देंगे खुश होंगे। जब देवता को हमारे पूर्वज खुश किसी तरह से करते रहे तो हम उस चीज को हानि छोड़ते नहीं। हमारे अगर शंकर जी के ऊपर शिवलिंग के ऊपर श्राप नहीं चलाएंगे तो शिव जी खुश नहीं होंगे और जब पूरा खानदान और पूरा समाज करता रहा तो हमको तो उसी तरह से करना है। तो वो पर पुरानी लीक में ही हानि चलने के लिए अन्य लोगों को कहते हैं और उसी पुरानी लीक पर ही चलते हैं। समझो कि जो ग्रंथ होंगे आगे का लिखा हुआ उस पर गर्व करना नहीं चाहते और जानना नहीं चाहते। शरीर अपने सीमित रहते इन्हीं दोनों आंखों से जो चीज दिखाई पड़ती है और इन बाहरी कानों से जो सुनाई पड़ता है वह उसी को आवाज समझ लेती उसी को देखना समझ लेती। लेकिन जो पुस्तकों को समझ जाते हैं जो समझ जाते हैं सुनते हैं और घूमते हैं बुद्धि लगाते हैं जिसके समझ में आ जाता है वो आगे भी बढ़ जाते हैं। वो ऊपर गए की आवाज जो अनंत मेरी पानी हुई उसको भी सुनने लगते हैं और अंतर के देवी देवताओं का दर्शन भी करने लगते हैं। तो आवाज उस बात को समझो कि दर्शन करने के लिए देवी देवताओं का और आवाज को सुनने के लिए युक्ति होनी चाहिए, रास्ता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो उसका काम अरे संत सदगुरु धरती पर हमेशा करते रहे और अभी धरती यह खाली नहीं है, धीरे बटरिया पाप की बढ़ रही अंगा और संत न होते जगत में धर्म का संसार संसार ये खत्म हो गया होता। आप उनके पास जाने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है और रास्ता लेने के बाद रास्ते पर चलने की जरूरत है। आप तो लोग भाग्यशाली हो आपको नामदान मिल गया, गुरु की दया के आप लोग पात्र बन गए। अब यह है कि दया लेना अलग चीज होती और दया सुनना अलग चीज होती। सुनते रहो दया 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 तो दया दया सुनते रहो तो दया देखेंगे जानते रहो उनकी दया मिलती है। लेकिन लेना न जान लेना नहीं जानो तो दया कैसे मन पड़ेगी कैसे वो होगा दया का। तो देखो बाहर भी दया करती है जिन जीवों को सदगुरु अपनाती बाहर से भी दया करती है और अंदर भी दया करती है। अब यह है कि जब से ये कर्मों का विधान बना तब से जीव कर्मों के चक्कर में
अन्य समझो के कष्ट ये काल माया देश बताया गया। तो ये काल माया ये दोनों ने क्या की है कि जीव उबर पावे यानी अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच पाओ, तो ये तो हमेशा बताने का काम है। तो इन्होंने क्या किया कर्म कर्म बना दिया, अच्छा और बुरा कर्म बना दिया। पहले तो बिल्कुल जीव निर्भर था, सतयुग लोग ने सब विज्ञानी ध्यान पसंद हो ध्यान लगाते ही ऊपरी लोगों में उस वक्त लोग चले जाते थे। लेकिन जब कर्म बना, जब कर्मों का विधान बना और तेज हुआ, शुरुआत में जब जीव आया था दिक्कत नहीं थी पापों में, लेकिन फिर कर्मों का ये पर्दा फटना चला गया। अब कर्म खराब करने में हमें काल भी अपना दाव खेलता और माया भी खेलती है, संतुलों को माया भर पाती है और औरतों को अन्य औरतों को काल वर्मा देता है, यानी काल पुरुषों को वर्मा देता है और औरतों को माया कर्मा देती है कि माया अपना जोर उसी पर लगा देती और पुरुष को वो लगा देती है और उसी में यानी ये जो कष्ट है वो कष्ट चली जाती है। अपने ही बनाए हुए जाल जैसे मकड़ी यानी फंस जाती है, उससे बनाए हुए जाल से नहीं निकल पाती, ऐसे आदमी इंसान भी फंस जाता है। काल रोते हुए पैदा हो, रोते हुए पैदा हो, बचपने में रोए, जवानी में रोए और बुढ़ापे में रोते रोते चले गए। किस लिए पैदा हुए, किस लिए हमें शरीर मिला और किस काम में हमने शरीर को लिया और कैसे ये शरीर नष्ट हो गया, यानी इसको विचार नहीं करते। तो जो उसका विचार नहीं करते और शरीर से दुनिया की चीजों को ही काल माया के बनाई हुई चीजों को इकट्ठा करने में और उनके बनाए हुए विद्या विद्या के भाव में जो जो रह जाते हैं उनको नो चौरासियों का चक्कर लगाना पड़ता है, नो चौरासी में चक्कर लगाना पड़ता है और नर्कों में गोटे खाने पड़ते हैं। तो देखो कर्मों से बचना चाहिए, कर्म अगर नहीं समझ पाएंगे, अच्छा और बुरा नहीं समझ पाएंगे तो कर्म जब खराब हो जाएंगे तो ये जो देना देना है दुनिया का संसार का एक दूसरे का इसको ठीक से अदा नहीं कर पाएंगे और उसी में फंसे चले जाएंगे, क्योंकि लेना देना ये दूसरे का बड़ा द्वार भी होता है दौर और लेना देना आता करना मिलती है। आप लोग यहाँ इकट्ठा होते हो तो अपनी अपनी बातें बताइए, यादगार होता है कोई वाक्य जीवन का अच्छा होता है जो प्रभावशाली अन्य होता है ऐसे और उसको एक ऑपरेशन से उन्होंने बताया आपके जन्म कौर में था तो वहीं पर एक बनिया बनिया किसको कहते हैं बनिया जाति गुप्ता जैसे ब्रह्म शक्ति वर्ष तो वर्ष को बनिया कहते हैं। अब तो बहुत लोग अर्पण करने लग गए और जाति का आरोप पर बंधन नहीं रह गया, कोई किसी भी जात का कोई चीज का व्यापार का लेता है, लेकिन लोग व्यापार करते थे उनको लोग बनिया कहते थे, कहीं लगा करते थे, कहीं शेर का उपाय कहते तरह तरह का नाम था जात के बनिया होते तो बनिया का कहा रावण बनी अभी वहां दुकान खोल रखा था और खोर को माल सप्लाई करता और ये जो कौड़ी था ये कौड़ी ऑफिसर था सामान खरीदना बेचना ये इसकी जिम्मेदारी होगी ऑफिसर की थी, तो यह माल सप्लाई करता था और वो ऑर्डर करता था पेमेंट कराता था, तो दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो तो बताया कि होगी नौकरी करता था भाई उसको जो तनख्वाह मिलती वो बनिया के पास जमा होता है,
जाने को होता छुट्टी मिली तो लेता जाता सामान बनिया के यहाँ ये खरीदता था और बनिया को भी रुपया ले जाने के वो दुकान में लगा देता तो दुकान की आमदनी बढ़ जाती थी तो दो से फायदा था क्योंकि आदमी कह रहे थे ऐसी लोग खाती नहीं न तो आए हम लोग मनी आदर था और न कह लिया अपनी आदर था और ना ये कहेगा जो अकाउंट में जमा करके दूसरी जगह आदमी ये करती है ये था ये तो लोग उस समय पर नहीं था वो समय पर तो आए के लिए जगह पर दूसरी जगह रुपया का चलो देखते थे या उनका पैसा नहीं रहते थे उस समय लेकिन लोग पक्का पक्का काम होता था जो ले जाता था अपने साथ यानी उसके राम तो है बनवाया
सुबहनाथ तो बैठे वो खाने लगे, बहुत क्या हो गया, तरह तरह होने की आवाज है, बड़े पेट होने की आवाज, तो उन्होंने खा ये कौन बोल रहा है, घर पर संदेशा है,
ಭಟ್ಟರುಗಳೇ ಆಲ್ ಸಮುದಾಯ ಪೂರ್ಣನೆ ಅನಿಯುದ್ಧ ಭಟ್ಟರುಗಳೇ ಆಲ್ ಭಟ್ಟರುಗಳು ಸಮಾನ ಆಲ್ ದೊಡ್ಡ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಕಾಶ ಮಿಲ್ಲ ಉಸ್ಕೊಂಡೆ ಕಟ್ಟೆ ಆಯನ ಸಮಯ ಚೆಲೆಗೆ ಚೆಲೆಗೆ ಚೆಲೆಗಲ್ವ ಆ ಬನ್ನ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಆಯನ ಸಮಯ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಲಾಲಚ ಪಾಪಿ ಕೌನ್ ಜಾಂತ ವೋ ಜಾಂತ ಮೈ ಜಾಂತ ಇನ್ಕೋ ನೀ ಬಚನ್ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಗುರು ಕೇ ಬಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಬರಗಳು
स्थान को समझ लिया जाए तो अर्थ को कांति का अनुरोध है, शरीर जब तक है दुखी है और जब शरीर का समय पूरा हो तो आत्मा अपने घर की बीमारी के पास नहीं है। तो बोलो जय जो पीछे देखता जो हो रहा है वो भी देखता और
परामृष्ट होने वाला हम वो भी देखता आए तो उन्होंने पिछले कर्मों को तो कर पाए और कर्म बने ना ऐसा खान पान प्यार करण आज इन लोगों को अपनी रखने का हमें बताया और जाने से पहले आज आगे भी हुई ये काम भी चले आगे के बारे में भी बता दे आगे के बारे में भी समझा दे
और अर्पित घटने खाली नहीं है, धीरे बटरिया पाप की बढ़ रही अंगा और सत्र होते जगत में धर्म का संसार संसार ये खत्म हो गया होता। आप उनके पास जाने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है और रास्ता लेने के बाद रास्ते पर आने चलने की जरूरत है। आप लोग भाग्यशाली हो, आपको नाम दान मिल गया, गुरु की दया के आप लोग पात्र बन गए। अब यह है कि दया लेना अलग चीज होती और दया सुनना अलग चीज होती। सुनते रहो दया 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 तो दया दया सुनते रहो तो दया देखेंगे, जानते रहो भाई दया मिलती है, लेकिन लेना मजा लेना नहीं जाना तो दया कैसे बंद करेगी, कैसे वो होगा दया का। तो देखो बाहर भी दया करती है, जिन जीवों को सदगुरु अपनाती बाहर से भी दया करती है और अंदर भी दया करती है। अब यह है कि जब से ये कर्मों का विधान बना तब से जीव कर्मों के चक्कर में अन्य समय लोगों के कष्ट, ये काल और माया का देश बताया गया। तो ये काल और माया ये दोनों ने चाहते हैं कि जीव उबर पा गए यानी अपने घर अपने मालिक के पास पहुंच पाओ, तो ये तो हमेशा बढ़ाने का काम है। तो इन्होंने क्या किया, कर्म कर्म बना दिया, अच्छा और बुरा कर्म बना दिया। पहले तो बिल्कुल जीव निर्भर था, सतयुग लोग सब विज्ञानी सब यार ज्ञान पत्र लोग में ध्यान लगाते ही ऊपरी लोगों में उस वक्त पर लोग चले जाते थे, लेकिन जब कर्म बना जब कर्मों का विधान बना और तेज हुआ शुरुआत में जब जीव आया था दिक्कत नहीं थी पापों में, लेकिन फिर कर्मों का एक पर्दा पड़ता चला गया। अब कर्म खराब करने में हमें काल भी अपना दाव खेलता और माया भी खेलती है, पुरुषों को माया भरमाती है और औरतों को अन्य औरतों को काल भरमा देता है, यानी काल पुरुषों को भरमा देता है और औरतों को माया भरमा देती है कि माया अपना जोर उसी पर लगा देती और पुरुष तो ऊपर वो लगा देती है वह उसी में यानी ये जो कष्ट है और कष्ट चली जाती है अपने ही बनाए हुए जाल जैसे पकड़ी यानी फंस जाती है उससे बनाए हुए जाल से नहीं निकल पाती, ऐसे आदमी इंसान भी फंस जाता है। तो कहा रोते हुए पैदा हो, रोते हुए पैदा हो, बचपने में रोए, जवानी में रोए और बुढ़ापे में रोते रोते चले गए। किस लिए पैदा हुए, किस लिए हमें शरीर मिला और किस काम में हमने शरीर को लिया और कैसे ये शरीर नष्ट हो गया, इस पर विचार नहीं करते। तो जो इस पर विचार नहीं करते और शरीर से दुनिया की चीजों को ही काल माया के बनाई हुई चीजों को इकट्ठा करने में और उनके बनाए हुए विद्या विद्या के बाद में जो जो रह जाते हैं उनको नको चौरासी का चक्कर लगाना पड़ता है, नको चौरासी में चक्कर लगाना पड़ता है और नको में गोटे खाने पड़ते हैं। तो देखो कर्मों से बचना चाहिए, अगर नहीं समझ पाएंगे अच्छा और बुरा नहीं समझ पाएंगे तो कर्म जब खराब हो जाएंगे तो ये जो देना देना है दुनिया का संसार का एक दूसरे का सिर्फ और ठीक से ज्यादा नहीं कर पाएंगे और उसी में फंसे एक पास से चले जाएंगे। तो लेना देना ये एक दूसरे का बड़ा द्वार भी होता है दौर और लेना देना आता करना कर्म से प्रेरणा मिलती है। आप लोग यहाँ इकट्ठा होते हो तो अपनी अपनी बातें बताते यादगार बताते हैं, कोई वाकई जीवन का अच्छा होता है जो प्रभावशाली अन्य होता है ऐसे और उसको एक ऑपरेशन शिकार हो गए तो वहां खत्म कर दिया। तो उन्होंने बताया आप ये जब मैं कॉल में था तो वहीं पर एक बनिया बनिया किसको कहते हैं बढ़िया जाति गुप्ता ऐसे ब्रह्म शक्ति वर्ष
अब तो बहुत लोग अखबार पढ़ने लगे और जाति का हर उपयोग प्रबंधन नहीं रह गया, कोई किसी भी जाति का कोई चीज का व्यापार का नहीं कहा, लेकिन लोग व्यापार करते थे उनको लोग बनिया गए कहीं लगा करते थे कहीं शेर का होकर का नाम था जात के बनिया होती तो बनिया का कहा वहां दुकान खोल रखा और फौज को माल सप्लाई करता और ये जो फौजी था ये फौजी ऑफिसर था, ये सामान खरीदना बेचना ये इसकी जिम्मेदारी फौजी ऑफिसर की थी, तो ये माल सप्लाई करता था और वो ऑर्डर करता था पेमेंट कराता था, तो दोनों की दोस्ती अच्छी खासी होती, तो फौजी नौकरी करता था सिपाही उसको जो तनख्वाह मिलती वो बनिया के पास जमा होता है और तनख्वाह जाने को छुट्टी मिलती तो लेता जाता था, सामान बनिया के यहाँ ही खरीदता था और बनिया को भी रुपया ले जाने से वो अपनी दुकान में लगा देता तो दुकान की आमदनी बढ़ जाती थी, तो दोनों को फायदा था क्योंकि आदमी ऐसी लोग करती नहीं न तो आए हमने मनी ऑर्डर था और न कहीं अपनी मनी ऑर्डर था और ना एक तरह का जो अकाउंट में जमा करके दूसरी जगह आदमी अपनी हिंदे था ये तो लोग उस समय पर नहीं था, वो समय पर तो आज के ही जगह पर दूसरी जगह रुपया पैसा लोग देते थे या रुपया पैसा ले जाते थे उस समय, लेकिन लोग पक्का पक्का काम होता था जो ले जाता था अपने साथ आने ही उसके राम तो है आने समझ लो जो हानि होता वो तो छिपा उठा करके ले जाता था, लेकिन अक्सर लोग ले जाते थे जगह दूसरे और क्या आप दूसरा बटन दबा करके और दूसरे के अकाउंट से पैसे निकालने का एटीएम से उसमें बड़ी धोखे नहीं होती, और जब से ये समझ लो कि ये सिस्टम हुआ तब से लोगों को बहुत नुकसान होगा, और आप ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी जो चला है उसमें अगर आप समझ लो कि अगर वायरस ऐसा आ जाए कि जो कंप्यूटर को बंद कर दे तो अभी किसी पता नहीं चलेगा हमारे पास कितना रुपया पैसा कितना लेन देन है क्या आदमी सब ठप हो ऐसा ना पावर हाउस पावर आधा बिजली बनती है वही पावर हाउस की अगर बंद हो जाए एक हफ्ते के लिए बिजली बंद हो जाए पूरे दुनिया तो जो भगवान को नहीं मानते जिनको नास्तिक कहते हैं वो उनको भी अभी भगवान याद आने लगे जी भगवान को याद करें तो विकास तो अच्छा होता है लेकिन विनाश अच्छा नहीं होता, जब ज्यादा विकास हो जाता है आदमी को हमने ये विकास कर लिया दमन हो जाता है तो विनाश की भी स्थिति आ जाती है क्योंकि वो भगवान को भूल जाता है तो कहता मैंने ही ऐसा कर लिया है आविष्कार, लेकिन बुद्धि किसने दिया भगवान ने तो दिया है, अरे वही बुद्धि अरे जो उसने दिया अरे दवा का ढीला कर दे किसको तो वही पागल हो गया जो बहुत अकल लगा रहा है बहुत अच्छा डॉक्टर है इंजीनियर है बहुत अच्छे हैं वही अभी पागल हो जाएंगे, तो आप आविष्कार को समझ फिर रुपया जमा करता तो और भी आपने सब नहीं बताया आप भी मैं रिटायर हो और सबको दिन के बाद ठेका खत्म हो गया अन्य व्यापारी का जो था बनिया उसका ठेका खत्म हो गया छोड़ते हैं और कॉफी का भी ट्रांसफर हो गया उसी ने ऐसा रिटायर होने के बाद यानी और भी ऑफिसर पूरा हरिद्वार आया था ये शासन के लिए लोग जाते थे बहुत सी नौकरी करने वाले लोग ये सोच कर रखते थे कि भाई अब रिटायर हो जाएंगे तब जाएंगे घूमने के लिए तीर्थ में जाएंगे जगह जगह पर रिश्तेदारियों में जाएंगे बहुत से लोग तो रिटायर होने के बाद भजन करने के लिए जंगलों में ही चले जाते थे, ये नियम था कि आखिरी वक्त पे अन्य भजन पूजन करना ही करना है, अब आगे सुन लो कि इस समय जैसा तो था ना कि इस समय एक पहले तो कहते हैं कि रिटायर हो जाएंगे तो बस सेवा में लग जाएंगे तो कृषि सेवा में लग जाएंगे बाल बच्चों की सेवा में लग जाएंगे
चार घंटा ड्यूटी करते और उसके बाद में फिर 12 घंटा की ड्यूटी हो जाए। मैं जाओ उनका दुकान पर और रात को उठो एंड सुबह बैठो तो रात को, तो इस तरह से लोग लगाए कि समय पर ज्यादा बढ़ गया। एक समय पर नौकरी करने बाद फिर नौकरी करे लेकिन पहले नहीं था एंड सरकार को पोषण देते थे कि आप अपना पूजा पाठ कर लो, कुछ आत्मा के लिए अपने काम कर लो, 7 साल के हो गए, 7 साल का सेवा किया आपने, तो उधर आया हुआ हरिद्वार, हरिद्वार से लौट रहा था तो सहारनपुर में वही बनिया मिल गया। मिल गया तो बहुत खुश हुआ और लेकिन खुश हुआ जब दोनों मिलेगा शांति के लिए पूछ रहे थे आप मरे थे वहां मेरा जो नाम बच्चा रहता था तो वो बोला मेरे घर यहीं पर मेरा घर है और आज आपको आप इन्होंने भी रोटा कहेंगे आपको रुकना ही था तो आप वहां पर गए तो भोजन बनवाया है बढ़िया भोजन अपने साथ बनवाया बनवाया तो देखे वो खाने लगे बहुत क्या खुश है तरह तरह होने की आवाज है बड़े पेट होने की आवाज है। तो उन्होंने कहा ये कौन बोल रहा है कुछ खा रहा थोड़ी देर की खाने का आवाज घोड़े घोड़ियां बीती थी उस पर बैठ करके अन्य राय
करने के लिए लोग जाते थे तो उसको परमा कौन मिले, परमा को कहते लड़के परमा को कहते हैं, जो चीज मना करो वही करते, कुछ ऐसे होते, कुछ ऐसे होते हैं आदमी भी ऐसे होते, वृद्धि होती, कितना भी समझाओ लेकिन वो अपनी जिद पर रहते, वो मानते ही नहीं पाते, यानी ये नहीं देख पाते कि हमारा भविष्य कैसा होगा, अच्छे बुरे का उनको ज्ञान नहीं होता, वो अपने सनक में रहते हैं, अपनी सोच में ही रहते हैं, वो ऐसे ही जानवर भी होते हैं। बस बैठे उसी घोड़ी पर बैठा और बहुत कोशिश किया कि रुका रुका घोड़ी, लेकिन घोड़ी रुकी नहीं, वो चली गई दुश्मनों के बीच में, घोड़ी वहां दुश्मनों के बीच में पहुंच जाने पर दुश्मनों ने घोड़ी को भी मार दिया और घोड़ी को भी मार दिया, सिपाही को भी मार दिया। हाँ, जो रुपया जमा करने वाला बनिया के पास सिपाही था वो तो मर गया। घर पर संदेशा आया, घर के लोग आए और उन्होंने समझाया, उन्होंने जब घर के लोग आए और घर के लोग आए तो सामान और जो भी रुपया पैसा उसको संसार से मिलना था उसको लेकर के आने समय लोग चले गए, चले गए तो चले गए वहां। अब बनिया के मन में आने समय लोग ही लालच आ गया, लोग आ गया, कहा कि कौन जानता है, वो जानता था, मैं जानता हूं, इनको अब नहीं देना, ऐसा तो घर वालों को दे देता जो लेने के लिए आए थे, रुपया पैसा हिसाब लेने के लिए आए थे उसको ऐसा तो दे देता, लेकिन उसने नहीं दिया। तो बनिया ने तो लड़के ने बताया, कहा पिताजी मैं वही कहूंगी कि आपके पास मैंने 2000 रुपया जमा किया था और आपने हर वालों को दिया नहीं था और उसको लाकर के आपने इसमें लगा दिया, आप मैं वही कहूंगी और कर्जा अदा करने के लिए आपके यहाँ आया था और अब कर्जा हमारा अदा हो गया, जो लेना देना था वो लेना देना हमारा खत्म हो गया, ये जो उसमें से 2.5 रुपये हमें आप दिए कर्जा करने वाले यही बच रहा और ये जब आपने उसको दे दिया तो हमारा कर्जा अब अदा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, अब हमारा आपका लेना देना कुछ नहीं रहा, आप मैंने ये सेवा किया, आपने हमको पाला पोषा पढ़ाया लिखाया और मैं बड़ा हुआ, आपने मेरी शादी ब्याह किया तो ये कर्जा था, अब वो कर्जा सब अदा हो, अब मैं आपका कोई कर्जा नहीं, अब मैं दुनिया संसार से जा रहा, और ये औरत वही बर्बाद घोड़ी है जो जिसने मुझको वहां मरवा दिया था, जो वही घोड़ी है, अब ये पूरी जिंदगी मेरे लिए रोटी देगी, रोटी देगी, तो यानी ये वही हमारी पुत्र बंधु है। बनिया ने बहुत ही आकर्षक से बताया, ये हमारी वही पुत्र बंधु है कि जिसके बारे में बेटा बता करके गया था कि ये जिंदगी भर रही थी तो आप बोल रही है, तो आप अब हम भोली के लिए बोले कि भौती के लिए बोले, अब हम सब समझ गए, अब हमको सारा ध्यान हो गया, अब हम नहीं रोते धोते, अब हम मालिक के मौत पर रहते हैं और यानी जो हमने कर्म अपनी नीयत खराब की, जो हमारे कर्म यानी समझ लो कि गंदे हुए खराब हुए, अब उसका सजा भी हमको मिल गया, हमने देखा और सबको बातें भी सुनी और जब ये उसका हमने दिमाग लगाया था तो देखा और पैसा जहां लगा वहां भी नुकसान ही किया, तो अब मैं सब समझ गया, अब मुझे सब ध्यान हो गया, तो अब आप उस बात को समझो कि लेना देना जिसका जितना होता है उतना ही उसको आने समझ लो कि वो उतना अदा करता है। अब ये है कि जिसको ज्ञान हो जाता है कि हमें लेना देना किस तरह का अदा करना चाहिए, वो लेने देने को बहुत आराम से अदा कर देता है। गृहस्थ आश्रम में तो यही कर लेता था, बहुत से लोगों का गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चल रहा है, जो सत्संगी परिवार के लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को भजन में लगाया, परिवार वालों को भजन में लगाया,
सत्संग में आते जाते लाते और सत्संग सुनते सुनाते हैं, उनका घर देखो बहुत बढ़िया चल रहा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक ऐसा खान पान, एक ऐसा पहनावा, एक ऐसा विचार भावना, एक ऐसा पूजा पाठ। तो जब खिन्नता विचारों में नहीं रहेगी, जब विचार नहीं टकराएंगे तो वहां शांति तो रहेगी रहेगी, लेकिन बहुत से घरों में ठंड रहेंगे ना, बहुत से घरों में अपने घर छोड़ के लोग भर रहे और अपने घर के लोग मरने के लिए तैयार है। तो ये क्या है? ये तरीका नहीं मालूम है, तरीका नहीं सीख पाए, और मन को मनाने के लिए, अन्य मन को मारने के लिए जो ये भजन का तरीका, ध्यान का तरीका गुरु बताए, गुरु महाराज ने बताया, उस तरीके को अपना नहीं पाए, उस रास्ते पर चल नहीं पाए, वो दुखों का संसार तो ये है ही, इसलिए अन्य दुख झेलना पड़ता ही है। अब आगे दुख से बचने के लिए गुरु के वचन को याद किया जाए, गुरु के बताए रास्ते पर अगर चला जाए और लेना देना को समझ लिया जाए और आने समय के बुरे कर्मों से बचा जाए, कर्मों के विधान को समझ लिया जाए, तो अगर सुख और शांति का अनुभव है। शरीर जब तक है दुखी है और जब शरीर का समय पूरा हो तो आत्मा अपने घर बीमारी के पास नहीं जाए।